अच्छा जी, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बट नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट तो है पर ये डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट एंड देन रिमूवल। हाउ? उससे पहले आपको लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन की जब आप लेंथ देखते हैं तो ये 5 फीट्स हैं, बट डायमीटर इज ग्रेटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन ओवरऑल डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसकी? वन इज कॉल्ड सीकम, द सेकेंड वन इज कॉल्ड कोलॉन, थर्ड वन इज कॉल्ड रेक्टम एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एनल कैनाल। अब मेरी बात गौर से सुने, समटाइम सिर्फ इस कोलॉन को भी आप कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखें सीकम का काम क्या है, जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जिसमें अभी वाटर मौजूद है, तो वो सीकम में आ जाता है, इलियम से सीकम में। सो सीकम इज द कनेक्शन बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इलियम और सीकम आपस में अटैच है। बट आप देखें जब इलियम होता है तो वो इलियम इस सीकम के साथ अटैच कैसे होगा? यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होगा कॉल्ड इलियोसीकल वॉल, इसको इलियोसीकल वॉल कहते हैं। 3 वॉल्स इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में याद करने के लिए, कार्डियक स्फिंक्टर बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक, पाइलोरिक स्फिंक्टर बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इलियोसीकल वॉल बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये कोलान सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए इस कोलन को फिर से डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट पार्ट्स में। ये एनाटॉमिकल वही पोजीशन के लिहाज से, वन इज कॉल्ड असेंडिंग कोलन, 4 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और इसमें हमारे पास आ जाते हैं, फर्स्ट जो है इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, फिर आ जाता है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर एक और आपके पास आ जाएगा डिसेंडिंग कोलॉन, फिर आ जाएगा इथमोइड कोलॉन। ये 3 4 आपके पास इसके पार्ट्स हैं, सिग्मोइड कोलॉन, सॉरी सिग्मोइड कोलॉन, ये 4 पार्ट्स हैं। अच्छा रेक्टम अगर आप देखें, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन कलेक्शन ऑफ वेस्ट एंड दिस कैनाल इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। ये बिल्कुल आसान करके दे रहा हूँ आपको। अब ओवरऑल फंक्शन जब आप लार्ज इंटेस्टाइन का देखते हैं तो ये क्या है, याद रखिए कि डाइजेस्टिव फंक्शन इसका नहीं है, डाइजेस्टिव फंक्शन जो है ये इसका नहीं है। द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वाटर, यानी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है अभी रिमेनिंग उससे ये वाटर को रिमूव करेगा, एंड देन दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्रेस द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर इजी रिमूवल। जब वाटर इससे निकल जाता है तो फिर ये कंप्रेस किया जाता है इसको, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, और फिर इसकी रिमूवल। अब ये रिमूवल इसकी कैसी होगी? तो फाइनल पार्ट में 2 स्पिंक्टर लगे हैं, इंटरनल स्पिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्पिंक्टर। अब याद रखें इस इंटरनल और इस एक्सटर्नल स्पिंक्टर की रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए इसका पैटर्न क्या होगा। तो जब भी वेस्ट एनल केनाल की तरफ आते हैं तो इंटरनल स्पिंक्टर फर्स्ट रिलैक्स, पहले ये रिलैक्स होगा, तो ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है ना ये एक्सटर्नल की तरफ आ जाएंगे,
तो फिर सेकेंड टाइम ये एक्सटर्नल रिलैक्स होगा, पहले इंटरनल रिलैक्स होगा फिर सेकेंड। जब ये रिलैक्स हो जाए तो इससे जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। अब याद रखिए ये जो स्पिंक्टर आपके पास है, दिस स्पिंक्टर मे बी वॉलंट्री एडल्ट के केस में स्पेशली, और दिस इज इनवॉलंट्री इनवॉलंट्री इन केस ऑफ चाइल्डहुड। क्लियर हो गई ये बात, ये इनवॉलंट्री होगा चाइल्डहुड के केस में। ये कुछ आम सी बातें हैं जो डेली लाइफ में हमें एक्सपीरियंस होता रहता है। एक चीज आपने और नोट करनी है, हाउ फूड मूव फ्रॉम इन लार्ज इंटेस्टाइन। जिस तरह देखिए इसोफेगस में होता है हमारे पास पेरास्टालिसिस मोमेंट, और स्टमक में फिर वो चेंज हो जाता है, इंटेस्टाइन में चेंज होता है वो मूवमेंट। इंटेस्टाइन का चूंकि वो पार्ट्स जो है वो ऐसे इररेगुलर से होते हैं तो उसमें मूवमेंट चेंज होती है। यहाँ पे पेरास्टालिसिस मूवमेंट कंटिन्यू होती है, पर एक इसमें मूवमेंट है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रोकॉलिक मूवमेंट। गैस्ट्रोकॉलिक मूवमेंट अक्सर आपने देखा होगा, ऐसे एक आवाज सी आती है इस इंटेस्टाइन में पेट से, जिस तरह आवाज आती है, तो ये असल में वो जो वाटर इससे रिमूव होता है और ये कंप्रेस हो जाता है ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट, तो फिर इस मसल्स के रिलैक्सेशन और इसके कंट्रैक्शन से ये साउंड जो है ये आप इसको महसूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाहर इसको कोई सुने, आप इसको कुछ हद तक महसूस कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑन लिवर एंड पैंक्रियास इन डाइजेशन।